another who is watching this video. This is Sangam Rai. Welcome to you all in this channel. This video is especially for the kids and I am going to perform baking soda volcano experiment. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास लेंगे, ठीक। फिर हम इसमें विनेगर डालेंगे, विनेगर यानी कि सिरका। तो ये रहा हमारा विनेगर। अब हम इसको इस ग्लास में डाल देंगे ओके। देन हम इसमें एक कलर डालेंगे, कलर जो कि नॉर्मल आपको मार्केट में मिल सकता है। तो हमने डाल दिया इसमें कलर, ताकि जो हम वोल्केनो बनाया है वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल सा लगे, सुंदर सा लगे, इसलिए हम लोग इसमें कलर डालेंगे। डाल दिया। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा, आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ताकि जब आप लोग देखें तो आपको भी बहुत मज़ा आए। तो अगला स्टेप अब हम लोग करने जा रहे हैं, सो बी रेडी फॉर योरसेल्फ फॉर सेइंग दिस। लेट्स सी। ये है बेकिंग सोडा जिसको अब हम इस विनेगर में डालने वाले हैं जादू देखने के लिए, या फिर ये मानिए कि हम देखने वाले हैं अब विनेगर एंड बेकिंग सोडा का वोल्केनो। सो देखिए, यो यू कैन सी दिस। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को देखें वो अपने घर पे इसको परफॉर्म जरूर करें, बिकॉज कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से हमें नॉलेज मिलता है और हमें एक्सपीरियंस भी आता है ओके। सो प्लीज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम। ये आंटी तो ज्यादा एक्टिव लग रही है, ये जरूर एक्सपेरिमेंट कराएंगे अपने बच्चे को, तो आप लोग भी कराइए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा है वह एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का, और जब ये कंपाउंड विनेगर के कंटेक्ट में आते हैं तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो दूसरे एलिमेंट से अलग होकर अपना एक गैस बनाते हैं। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस गैस की वजह से ही जो बबल्स होते हैं वो ग्लास से बाहर आने लगते हैं। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।